दीपा बहुत हिस्टोरिकल जगह है अरुणाचल प्रदेश के लिए। आप सबको मालूम होगा यहाँ 1947 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने प्रोमिनेंटली, कई लोग थे जैसे मोजी रिबा सेम नाम का है, और भी कई फ्रीडम फाइटर्स थे, यहाँ फ्लैग होस्टिंग किया था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में मैंने यहाँ आ करके यहाँ के MLA कादर निकर साहब से मिल करके हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दिया। फिर आज 100 फीट उसका हाइट का यहाँ हाई मास्ट बड़ा फ्लैग पोडियम एक खोला, उसका आज इनॉग्रेशन होस्टिंग हुआ, उसके लिए मैं यहाँ आया। साथ में डेवलपमेंट का कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग ने शुरू किया, उसके बारे में भी जानकारी दिया। प्रमुख रूप से ये अमृत काल में है, 100 ईयर्स का जर्नी शुरू हो गया हम लोगों का इंडिपेंडेंस ईयर का, अभी से लेकर के नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो जर्नी शुरू हुआ उसका एक तरीके से शुभारंभ यहाँ दीपा जो गांव है ये लिखावाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, यहाँ बहुत अच्छा आज कार्यक्रम हुआ। यहाँ के सारे ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने बहुत अच्छा मीटिंग रखा है। तो अरुणाचल का मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी दीपा में आकर के देखना चाहिए कि कौन सा जगह में हमारा पहला ट्राई कलर, हमारा तिरंगा फहराया था। ये बहुत हिस्टोरिक जगह है दीपा, पहुँचता है बार बार नहीं पहुँच पाता, वही है। नहीं सर, आप अपने मैसेज को आप कैसे पहुंचाएंगे? अभी हमारा पार्टी है, सरकार के हमारा मशीनरी है, ऑफिसर्स हैं और हमारे पंचायत के लीडर्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग निर्णय करता है, बड़ा बड़ा फैसला जरूर करता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ग्रास रूट में अच्छा से होना चाहिए। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऑफिसर टीम से बात करेंगे कि जो जितना स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसका जानकारी कैसे यहाँ पहुँचाना है गांव-गांव तक। हर एक गांव में हमारा स्कीम पहुँच गया लेकिन कोई मालूम नहीं है, होता है ना, कोई लोग स्कीम मालूम नहीं है। या MLA साहब ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया आज कि हम लोग कितना मेहनत से स्कीम्स लाता है, पब्लिक को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सर, आज मन की बात का मन की बात तो प्राइम मिनिस्टर जिस दिन मन की बात रखता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का सोच आम आदमी से जो कनेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, और जगह जगह हर राज्य का जो विषय होता है उसको उठाते हैं। आज दीपा में मन की बात का भी हम लोग ने सब विटनेस किया, बहुत अच्छा हुआ, अरेंजमेंट किया है, गांव के लोग भी बैठा, हम लोग सब मिल करके सुना है। लिखावाली का जनता को जो मैसेज देना था मैंने मीटिंग में कहा और अरुणाचल के लोगों को भी कहा कि अगले 25 साल में अरुणाचल को देश के हिसाब से हम लोग फुली डेवलप कराएंगे। अभी हम बॉर्डर कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है, बॉर्डर सेचुरेशन कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज के तहत हम अगले 6 महीना में पूरा अरुणाचल का हर एक गांव में 4G नेटवर्क देने का हम लोग ने निर्णय किया है। इम्प्लीमेंटेशन लगभग 60-70% के आसपास पहुंच गया है। अगले चुनाव से पहले हम 4G नेटवर्क 100% अरुणाचल का हर एक गांव में पहुंचाएंगे। गाड़ी रास्ता जहां जहां नहीं पहुंचाया उसको हम लोग कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद जहां वाइडनिंग या ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ उसका भी हम लोग रीअसेसमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी जी के साथ में बैठ करके मीटिंग लिया कि अरुणाचल में बारिश की वजह से जो रास्ता जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है उसका कोई नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं क्या, ताकि ड्यूरेबिलिटी जो रास्ता का लॉन्ग लास्टिंग कैसे किया जाए। कई चीज़ें हैं, एडुकेशन हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने काफ़ी अभी ध्यान दिया है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो लगभग मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, अच्छा से ऑक्सीजन लग गए हैं, डॉक्टर्स आ गए, लेकिन ये सुविधा प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अरुणाचल अभी जो बेसिक नीड है, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क, रास्ता, जो बेसिक नीड है वो लगभग अभी पहुंचने वाले हैं, सेचुरेशन मोड में आने वाले हैं। अगले हमारा कोशिश रहेगा इनकम कैसे बढ़ाना है। हम फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी देने के बाद हर एक परिवार कैसे फले फूले, कैसे उसका इनकम जनरेशन हो ताकि एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, उसके लिए व्यवस्था शुरू करेंगे। पहले बेसिक नीड चाहिए, खाना पहले सबसे ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, तो ये सब हम दे रहे हैं। अभी फ्री चावल भी हम लोग पहुंचा रहे हैं। यहाँ तो ये एरिया में तो चावल का इतना उन लोग को मालूम नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब खेतीबाड़ी करके अवेलेबल चावल है। पहाड़ में बॉर्डर में बैठने वाला तो 5 KG फ्री चावल मिलना मतलब बहुत बड़ा उसका मतलब होता है। ये पूरा आपका जीने का आपका बहुत बड़ा साधन है, नहीं तो खाना पीना बॉर्डर एरिया में तो बहुत मुश्किल होता है। सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं।
इसलिए नेक्स्ट 25 ईयर्स आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर अरुणाचल, और अरुणाचल पूरा डेवलप करेगा वो हमारा कमिटमेंट है। मैंने 20 साल पहले एक स्लोगन दिया था अरुणाचल का हम लोग नंबर वन स्टेट बनेगा, अभी लगभग हम लोग टेक ऑफ पॉइंट में आ गया। 4-5 बड़ा प्रोजेक्ट लग जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ये फूड पार्क जो हमने ही खुद कराया ईटानगर के सामने में, ये सारा चीज़ जिस दिन लागू होगा अरुणाचल का पार्क कैपिटा इंडिया में नंबर वन जरूर हो जाएगा, ये हम अभी भी मानते हैं और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर में करेंगे, अभी डेट प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत करके उसका डेट तय होगा। लाखों इंडिया का युवा आएंगे, यहाँ से भी काफ़ी युवाओं को हम लोग ले जाएंगे, बहुत बड़ा वो इंडिया का लार्जेस्ट एवर यूथ गैदरिंग होगा दिल्ली में, वो है अमृत वाटिका कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें सारा गांव का, यहाँ दीपा का भी अरुणाचल का हर एक गांव से मिट्टी ले जा रहे हैं, तो वो मिट्टी जो हम लोग ले जा रहे हैं उसको दिल्ली में वन इंडिया जो भारत का सिंबल जहाँ बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन।